नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाभारत, जी हां, दिल्ली की रणभूमि में अरविंद केजरीवाल और पुलिस कमिश्नर के बीच नई जंग छिड़ गई है। ये जंग है कानून व्यवस्था की, ये जंग है विचारों की, अधिकारों की। फिलहाल दोनों दिल्ली के मीनाक्षी मर्डर केस पर भिड़ गए हैं। पहले तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर आप कार्यकर्ताओं का धावा, फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी से सचिवालय में मुलाकात। ये सभी जानते हैं कि दोनों के बीच बात बनना लगभग नामुमकिन है। फिर हुआ भी वही, केजरीवाल ने सवाल रखे, कमिश्नर ने जवाब से केजरीवाल को भड़का दिया। केजरीवाल और कमिश्नर में छिड़ी जंग। कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ी तकरार। देखिए, पुलिस का काम कोई इस प्रकार का काम नहीं है कि जिसको कि आदमी हवाबाजी में कर पाए। आपसे हो गई दिल्ली पुलिस की भिड़ंत। मैं, अगर मेरा कोई क्रिटिसिज्म भी होता है तो मैं उसको पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में लेता हूं, क्योंकि अगर सिर्फ मेरी सिर्फ वाह वाही होगी और मुझे कोई मेरी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो मेरे में अहंकार आने की संभावना होगी। केजरीवाल ने कमिश्नर को बुलाया सचिवालय। केजरीवाल और कमिश्नर आ गए आमने सामने। केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच रिश्तों की कौन सी बिसात बिछी है? दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल सरकार के अधिकार की मांग के साथ ये शीशे की तरह साफ हो जाता है। 36 के आंकड़े की इस कहानी में केजरीवाल दिल्ली पुलिस को घेरने का मौका नहीं चूकते, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी ये जताना और बताना नहीं भूलते कि उनके अधिकार और कर्तव्यों की सीमा कहां तक है। और यहीं से छिड़ जाती है एक जंग। दिल्ली पुलिस का जो सिस्टम है ये एक बहुत उम्दा सिस्टम है। ये दिल्ली के जनता की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि दिल्ली के अंदर में एक बहुत जिसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट पुलिस मशीनरी काम करती है, जो रोष के साथ या भय के साथ या द्वेष के साथ या किसी घबराहट के साथ अपना काम नहीं करती है। ये दिल्ली पुलिस हर काम कानून के मुताबिक करती है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और केजरीवाल आमने सामने हैं और मुद्दा दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का है, दिल्ली में बढ़ते क्राइम के उस ग्राफ का है जिसमें खौफ दिल्ली वाले खा रहे हैं। सड़क पर सरेआम एक लड़की पर चाकुओं से 35 बार वार किए जाते हैं और सीरियल किलर जैसे हैवान दिल्ली में दहशत भर देते हैं। इसीलिए केजरीवाल बरस रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय पर विरोध के नारे बुलंद कर रहे हैं। फिर भी दिल्ली पुलिस के मुखिया अपने कामकाज के तरीके को सही ठहरा रहे हैं। इसी तनातनी में बात मुलाकातों तक तो पहुंच गई, मगर जो निकल कर आता है उससे केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच नफरत की खाई और चौड़ी हो जाती है। बस्सी साहब का कहना ही था, जो इस बच्ची का परसों मर्डर हुआ था, कि उस मीनाक्षी लड़की ने कल्प्रिट को देखकर थूका था और फिट ऑफ रेज में उसने उसको चाकू से मारा, जिसके ऊपर हमें ऑब्जेक्शन था, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन था कि किसी चीज़ को इस तरह से हल्के में लेना। और उनका ये भी कहना था कि इस चीज़ को बड़ा मुद्दाना बनाया जाए, हत्याएं तो दिल्ली में होती ही रहती हैं। उन्होंने काफ़ी डाटा भी दिखाया कि 500 हत्याएं एक साल में होती हैं, 700 हत्याएं होती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की इस मुलाकात का पूरा मतलब क्या था और इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली की आनंद पर्वत की मीनाक्षी के मर्डर को लेकर था। केजरीवाल और दिल्ली पुलिस में फिलहाल मीनाक्षी पर ही ठनी है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कमिश्नर ने मीनाक्षी के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि केजरीवाल और भड़क गए।
नफरत और इस महाभारत का एक एक पहलू आज आपके सामने होगा। सच ये भी है कि केजरीवाल का रौब और धौंस दोनों दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के सामने ध्वस्त हो जाते हैं और यही दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच जंग की वजह बन जाते हैं। मसला दिल्ली और दिल्ली के हर एक शख्स की सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए दिल्ली में रहने वाला हर एक आदमी यही सवाल पूछ रहा है कि सिर्फ बयानबाजी ही की जाएगी या फिर बातों से कुछ बात भी निकलेगी। क्या एक मासूम की चिता पर केंद्र और दिल्ली सरकार सिर्फ सियासी रोटियां सेकेंगी या फिर उससे निकलने वाली गर्मी से किसी का दिल भी पिघलेगा और कोई उसे आकर इंसाफ भी दिलाएगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। जिस दिन से केजरीवाल दिल्ली पर काबिज हुए हैं, दिल्ली पुलिस और केजरीवाल सरकार एक दूसरे के फूटी आंख नहीं सुहाते। केजरीवाल हमेशा दिल्ली पुलिस को कोसते आए हैं और दिल्ली पुलिस अपने अधिकारों से खुन्नस को हवा देती आई है। मीनाक्षी मर्डर केस में जब दोनों की मुलाकात हुई तो कुछ बातें ऐसी हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जैसे परेशानी हो गई। पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस आज दिल्ली में केवल पैसे बटोरने और जनता से पैसे इकट्ठे करने की एक मशीन बन गई है। ये पैसे इकट्ठे करके ऊपर तक पहुंचाते हैं। ना तो पैसा देगा महीने का या अकाउंटेबिलिटी देगा, इसलिए मुझे धरने पर बैठना पड़ा क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। केजरीवाल जिद्दी है तो दिल्ली पुलिस भी अधिकारों के साथ अड़ियल, फिर खुन्नस जग जाहिर है। और किस पर किसका हक की जंग भी केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस और एलजी के सामने अपने आप को बेबस बताती है और इसीलिए पूर्ण राज्य की मांग भी करती है। अधिकारों के इस कोहराम में बार बार महाभारत दिल्ली पुलिस कमिश्नर और केजरीवाल के बीच छिड़ जाती है और कुरुक्षेत्र दिल्ली बन जाती है। देखिए, क्राइम दिल्ली में 155,000 है, पर मेरे लिए हर केस इंपॉर्टेंट है। मैं केस दर्ज क्यों करता हूं? क्योंकि मैं हर केस को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि केस मैं दर्ज करूं, इन्वेस्टिगेशन करूं, इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट को पकड़ूं, उसको कानून के सामने पेश करूं और सख्त सख्त सजा दिलाऊं। सर कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल में उनको जो है मेरे ख्याल में वो, क्योंकि वो मेरी बात को मेरे अंदर वो झांक नहीं पाया होंगे। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अरविंद केजरीवाल से मिलने आए और खासकर केजरीवाल ने बस्सी को मिलने बुलाया, सवालों के उस अंबार के साथ जिनको वो पुलिस कमिश्नर के सामने रख तो सकते हैं लेकिन जोर जबरदस्ती से अमल नहीं करवा सकते। और हुआ भी वही, केजरीवाल ने मीनाक्षी हत्याकांड का मुद्दा उठाया लेकिन अधिकारों की ये लाचारगी खुन्नस में ही बदलती नजर आई। बट थोड़ा अजीब सी बात है कि हत्या केस ने संगीन जुर्म के अंदर पुलिस ने इतने हल्के में लिया और पुलिस का बार बार ये कहना कि उस लड़की ने उनकी इंसल्ट की। इंसल्ट का मतलब ये थोड़ा होता है कि तुम किसी को चाकू से मार दोगे, और चाकू लेके घूमना ये कोई लगता तो नहीं है कि इतने शरीफ लोग रहे होंगे कि किसी को ऐसे मार दिया जाए। तो हमारा बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है कि पुलिस लगता है इस मामले को आपस का झगड़ा बताना चाह रही है। दिल्ली सरकार की माने तो इस बैठक में जब केजरीवाल ने मीनाक्षी केस में सवाल किया तो कमिश्नर साहब का जवाब बड़ा ही अजीबोगरीब आया। जी हाँ, सत्येंद्र जैन ने बताया कि मीनाक्षी ने आरोपियों पर थूका था। साथ ही कमिश्नर ने केजरीवाल को 500 लोगों की एक लिस्ट और थमा दी, ये कहते हुए कि अगर वो मीनाक्षी को मुआवजा देते हैं तो बाकियों को भी दे दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शायद जो जानकारी आपको दी गई है मेरे पर्सपेक्टिव से वो जानकारी हो सकता है कि आपको जल्दबाजी में दी गई हो, तो अगर चलते चलते कोई बात करता है तो हो सकता है आपसे पूरी बात ना की गई हो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। सर, आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली पुलिस पे दिल्ली सरकार का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। कानूनन दिल्ली पुलिस सीधे आपके अंडर में आती है और आप उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको पूरा देश संभालना है।
इसलिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं बचा है। सर ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले खराब हैं, उनका सिस्टम खराब है, वो लोग तो खुद बहुत दुखी हैं। सर मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, विनम्र विनती है, या तो आप हर हफ्ते कम से कम एक घंटा दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए निकाला कीजिए, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय किया कीजिए, और या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आप हमें दे दीजिए। जनता के साथ मिलके हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को ठीक करेंगे। और हाँ, जहाँ मीनाक्षी का कत्ल हुआ था ना, आनंद पर्वत पे, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, प्लीज़ वहाँ पे पुलिस का उचित बंदोबस्त करा दीजिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये कानून की कमजोरी या फिर पुलिस की खाना पूर्ति नहीं तो क्या है। पड़ोस में रहने वालों के हाथों चाकुओं के 35 वार झेलने के बाद एक दिल्ली की मीनाक्षी दम तोड़ देती है और केजरीवाल मीनाक्षी के घर सहानुभूति में पहुंचते हैं और दिल्ली पुलिस इसी पर सवाल उठा देती है। एक बार फिर केजरीवाल और कमिश्नर के बीच तलवारें तन जाती हैं। मीनाक्षी मर्डर केस में राजनीति गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के मुखिया बी एस बस्सी को बुलाया और तकरीबन 1.5 घंटे तक उनसे मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि मीनाक्षी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने ठीक से तफ्तीश नहीं की, जबकि दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के मुखिया बी एस बस्सी के मुताबिक दिल्ली पुलिस कानूनी तौर पर काम करती है और मीनाक्षी मर्डर केस में कानूनी पहलुओं के तहत जांच की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय और रजत सिंह के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम सड़क पर एक लड़की को चाकुओं से गोद दिया जाता है, वो भी चाकुओं से पूरे 35 वार किए जाते हैं। यह हत्या उन हालात में होती है जबकि मीनाक्षी और उसकी मां आरोपियों के खिलाफ पहले ही जान से मारने की धमकी की शिकायत कर चुकी थी। अब कमिश्नर कह रहे हैं मीनाक्षी को इंसाफ मिलेगा। इसे कानून की कमजोरी कहें या फिर पुलिस की खानापूर्ति, पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों के हाथों चाकुओं के 35 वार झेलने के बाद मारी गई मीनाक्षी की मौत टाली जा सकती थी अगर कत्ल के आरोपी भाइयों के साथ पुलिस पहले ही सख्ती से पेश आई होती। क्योंकि 15 अक्टूबर 2013 को मीनाक्षी की मां उषा की ओर से आनंद पर्वत थाने में एक रिपोर्ट दी गई थी कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला शशि और उसके दो बेटों जयप्रकाश उर्फ सन्नी और इलू ने मीनाक्षी को जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन जानते हैं इस तहरीर का नतीजा क्या हुआ? पुलिस ने इन दोनों भाइयों को तो कुछ नहीं किया, अलबत्ता उनकी मां शशि को फकत एक दिन के लिए जेल जरूर भेज दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस दिन से सन्नी और इलू दोनों ही मीनाक्षी और उसके घर वालों से दोगुनी खुंदक रखने लगे और अब आए दिन दोनों परिवारों के बीच ज्यादा झगड़े शुरू हो गए। पड़ोसियों की माने तो दोनों भाई ठीक उसी रोज से अपनी मां को जेल भेजे जाने का बदला लेने की बात कहते थे, लेकिन मोहल्ले की ये लड़ाई और एक लड़की के साथ दो भाइयों की ये फिक्रेबाजी एक रोज ऐसी भयानक शक्ल अख्तियार कर लेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दिल्ली पुलिस हर अपराध को बहुत संवेदनशीलता के साथ लेती है। हमारा प्रयास ये है कि कोई भी अपराध अनरजिस्टर्ड ना जाए, खासतौर पे जो अपराध वल्नरेबल सेक्शंस के खिलाफ होते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर केस एक महिला के प्रति था। इमीडिएटली इसके अंदर में सशक्त इन्वेस्टिगेशन की गई और एक्यूज पर्संस को गिरफ्तार किया गया है। और एक दिन जब मीनाक्षी अपने पड़ोस के दुकान से कुछ सामान लेने गई थी तो बीच रास्ते में सन्नी और इलू ने उसे रोक कर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार शुरू कर दिए, एक नहीं दो नहीं पूरे 35 वार। और अब मीनाक्षी के इंसाफ पर केजरीवाल और कमिश्नर में ठनी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा तो दिल्ली पुलिस का हर जवान उनके खुन्नस खा गया। फिर कुछ कांस्टेबल्स ने तो उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेड़ी पटरी वाले से पैसे मांगता है उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के कामकाज तौर तरीकों पर उंगली उठाते रहे हैं, नसीहतों की बारिश भी करते रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो मर्यादा की सीमा लांघकर खाकी वर्दी वालों को ठुल्ला कह देते हैं। जाहिर है दिल्ली पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर बैठे बी एस बस्सी अपमान का घूंट पीकर चुप कैसे बैठते। उन्होंने केजरीवाल की तरह अपना आपा तो नहीं खोया, जुबान पर लगाम रखी। मैं विश्वास नहीं करता कि इस प्रकार का शब्द कोई
भी व्यक्ति पुलिस के बारे में इस्तेमाल करेगा, खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया होगा। पुलिस और सरकार के बीच ठन गई है, तभी तो लाजपत नगर थाने में अजय नाम के कांस्टेबल ने और गोविंदपुरी थाने में हरबिंदर नाम के कांस्टेबल ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली से योगेश गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। ये महाभारत तो अनंत है, लेकिन इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।